जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौर गिल को लेकर इस वक्त की ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भावुक हो उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है शहनाज को लेकर। एक बार फिर से पंजाब की कैटरीना कैफ ने ये साबित कर दिया है कि वह अपने सिद्धार्थ की शेरनी है और रहेंगी अपने शेर की शेरनी है और यूं ही दहाड़ती रहेंगी बॉलीवुड में। जी हाँ, देख रहे हैं आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। ये कोई आम तस्वीर नहीं है दोस्तों, ये शहनाज का प्यार है अपने सिद्धार्थ के लिए, जो कि उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है सबको कि वो कितना प्यार करती हैं अपने सिद्धार्थ से, और ता उम्र सिद्धार्थ की रहेंगी, ता उम्र अपने सिद्धार्थ को जिंदा रखेंगी, ता उम्र अपने सिद्धार्थ को रिप्रेजेंट करेंगी। जी हाँ दोस्तों, शहनाज ने बनवा लिया है टैटू सिद्धार्थ के नाम का। सही देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, शहनाज ने बनवाया सन स्टार मून, इसका टैटू बनवाया है अपने हाथ पर। उसका रिश्ता आसमानी हो गया है, इसलिए शहनाज ने जो है आसमानी चीज़ें सन स्टार मून का टैटू जो है बनवा डाला है। फैंस ये देखकर काफ़ी भावुक हो रहे हैं। आज सुबह नहीं, कल से जो तस्वीरें हैं ये टैटू मेकर्स के साथ, शहनाज की कैन के साथ जो है सेल्फी, ये सब वायरल हो रही थी। फैंस काफ़ी उत्साहित थे, कई फैंस तो रात भर सोए भी नहीं कि शहनाज कब जो है अपना टैटू दिखाएंगी, देखने के लिए काफ़ी बेताब थे फैंस। और अब जो है ये तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, फैंस खूब शेयर कर रहे हैं इस टैटू की तस्वीर को। और इससे पहले शहबाज जो है उन्होंने भी अपना प्यार अपने जो है सिद्धार्थ के प्रति दिखाया था, और उन्होंने सिद्धार्थ की पूरी तस्वीर ही अपने हाथ पर छपवा ली थी, जिसे लेकर शहनाज जो है कई बार हाथ पकड़ के अपने भाई का जो है तस्वीरें भी करवाती हैं। अब जहां शहबाज ने पूरा का पूरा टैटू छपवाया अपने हाथ पर सिद्धार्थ का, तो वहीं शहनाज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मेरा सिद्धार्थ कहीं नहीं है, इन्हीं सितारों में है, इन्हीं आसमानों में है, इन्हीं चांद में है और बादलों में है, यहीं पे है। और शहनाज ने स्पेशल ये रूप दिया है टैटू का, बहुत सोच समझ कर जो है शहनाज ने टैटू बनवाया अपने हाथ पर। बहुत ही हार्ट टचिंग टैटू है दोस्तों, और सच में मैंने देखा, मैं भी भावुक हो गई शहनाज के इस टैटू को देखकर, और फैंस कई सारे जो हैं वो भी भावुक हो रहे हैं। शहनाज जो हैं कितनी भी ऊंचाई को क्यों ना छू लें, अपने सिद्धार्थ को नहीं भूलेंगी कभी, और रिप्रेजेंट करना नहीं रोकेंगी कभी भी। किसी भी स्टेज रियलिटी शो जाएंगी वहाँ पर तो अपने सिद्धार्थ के बारे में गुणगान जरूर गाती हैं और गाती रहेंगी, और ये हक भी है शहनाज का, क्योंकि रीटा माने खुद जो हैं शहनाज को ये हक दिए हैं सारे के सारे, कोई नहीं रोक सकता। सलमान ने भी कहा तुम्हारा हक है, तुम अपने सिद्धार्थ को जितना मर्जी जी चाहे रिप्रेजेंट करो, कोई नहीं रोक सकता है। अब जहां शहनाज ने इस टैटू को बनवाकर अपने फैंस को भावुक कर दिया है, तो वहीं एक खुशखबरी और दे डाली है। कभी ईद कभी दिवाली में सलमान के जीजा संग शहनाज जो है मूवी के अंदर दिखेंगी एज ए लीड एक्ट्रेस के रूप में, और पूजा हेकड़े जो हैं वो सलमान संग लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाएंगी कभी ईद कभी दिवाली फिल्म के अंदर। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि सलमान ने जो है शहनाज को उनके अनुसार जो है बोला है कि जब तुम चाहो अपने शेड्यूल के अनुसार शेड्यूल बना सकती हो शूटिंग के लिए, और जब तुम्हारे पास समय हो तब तुम आ सकती हो। ये भी जो है सलमान ने शहनाज के ऊपर छोड़ दिया है। और दूसरी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि सलमान इतना अटेंशन देते हैं शहनाज को कि टाइम जो है सबकी जल रही है, जितने भी हेटर्स हैं शहनाज के खासतौर पर। सलमान ने एक और चीज़ शहनाज के लिए किया है फिल्म की फीस को लेकर, कभी ईद कभी दिवाली को लेकर जो है शहनाज के ऊपर छोड़ दिया है कि तुम्हें जितनी फीस चाहिए, जितना भी तुम डिमांड करोगे इस फिल्म के लिए, वो तुम्हें हम देंगे, बस तुमने जो है इसमें फिल्म करना है और शेड्यूल भी तुम्हारा होगा, टाइम टेबल भी तुम्हारा होगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सलमान इस तरह से कभी भी किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस को इस तरह से भाव नहीं देते हैं जिस तरह से शहनाज पर मेहरबान है सलमान इस वक्त। फैंस तो बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं शहनाज के इस फिल्म को लेकर। और एक फिल्म जो है दोस्तों पंजाब में भी शूटिंग चल रही है शहनाज की, अभी हाल ही में पंजाब गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और शहनाज जो है प्रोजेक्ट साइन करके आई थी और अब जो है उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। दो बार पंजाब जा चुकी हैं शहनाज शूटिंग के लिए, और तीसरी बार भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विजिट करेंगी पंजाब। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बॉलीवुड एक तरफ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म बनेगी शहनाज की और दूसरी तरफ पंजाबी मूवी बनेगी शहनाज की, दोनों देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है लॉकअप शो में भी शहनाज जो है बहुत जल्द दिखाई देंगी। करण कुंद्रा
को रिप्लेस करेंगी, जेलर बनकर आएंगी लॉकअप शो में, क्योंकि करण कुंद्रा के पास समय की पाबंदी है। और बताया जा रहा है कि शहनाज दिख सकती हैं इस हफ्ते में लॉकअप शो में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने जो है खुद शहनाज को फ़ोन करके बोला है कि आप आओ हमारे लॉकअप शो में एज ए जेलर। बहुत बड़ी बात है, खुद जो है इतने बड़े बड़े स्टार शहनाज को फ़ोन करके बुला रहे हैं। शहनाज ने ये कामयाबी जो है, ये जो कामयाबी के झंडे जो गाड़े हैं अपने दम पर गाड़े हैं, चार चार शिफ्टों में काम करके ये नाम पाया है शहनाज ने, और बहुत जल्द जो है बॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रहे हैं सलमान संग वो भी। तो सलमान का जो हाथ है अगर शहनाज के सिर पर पड़ गया है तो आने वाले टाइम की तो क्वीन बनेंगी ही, बॉलीवुड की स्टार बनेंगी ही, और साथ ही रीटा माँ और सिद्धार्थ का भी नाम रोशन करेंगे। वेल टैटू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। कितनी देर बाद साथ में देखा, कितनी देर बाद साथ में देखा हम दोनों को, राइट? इन्होंने क्यों, लोग ने, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बुला दूंगा नहीं देखा। अभी 3 महीने हो गए बुला दूंगा को, तो कभी ऑनलाइन जाएंगे तो दिखता है। वो पता कितना प्यार करते, वो हमें साथ में देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने बोला था तुझे, तो अब बुला दूंगा। 3 महीने हो गया आए को, अब अच्छी बात है ना, अब देख रहे हो, राइट? मैं रोज आप दोनों को क्यूट मोमेंट देखती हूँ। शर्मा के साथ काम करके सिर्फ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। कितना अच्छा था? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था इसका एक्सपीरियंस। एक साथ फिर से सॉन्ग करो आप लोग, ठीक है? आप बनाइए, हम लोग आते हैं, करते हैं। कोई अच्छा सा गाना ढूंढ के लाओ, मान लिया हम लोग करते हैं, पक्का डन। कोई ना वो गाना करना चाहिए अच्छा सा, कौन सा? पहाड़ के ऊपर खड़े होके, पहाड़ के ऊपर खड़े होके, सबसे ऊपर खड़े होके क्या शूट करना चाहिए? समथिंग अलग तो दिख नहीं रहा शहनाज, किसी को नहीं समझ में आ रहा तुझे, कुछ अलग करना चाहिए ना दुनिया से। प्लीज रिप्लाई करो, भाई और मेरी भाभी दोनों जल्दी शादी कर लो। अच्छा बस ये इसीलिए तो हम लोग लाइव है, तो ये जानने के लिए हम लोग लाइव है कि करेगी नहीं करेगा। ओके, और ये मतलब इंसान शादी करना चाहिए, मतलब वही बचा है सबकी लाइफ में। When will you do movies? When somebody would want to take us in movies? हम हमें भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होता ना, प्रोड्यूसर नहीं बने अभी, एक्टर ही है ना। प्लीज नो नेगेटिविटी, प्लीज नो कमेंट्स पे नेगेटिविटी मत करो प्लीज। अरे करने तो अभी कुछ लोग हैं, लेकिन तो नेगेटिविटी करेंगे, जो लोग नहीं है नहीं करेंगे, अपने ऊपर है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ड्रीम्स करो, जिसको ड्रीम्स, हाय हाय।